मुझे आज भी वो दिन याद है जब 10th में स्टेट बोर्ड में पूरे गुजरात में मेरा 3rd रैंक आया हुआ था। एंड सो गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है, वहाँ के एक प्रेस्टिजियस स्कूल की तरफ से मुझे टोटली फ्री स्टडी का ऑफर दिया गया था। एंड सो हमने 11th एंड 12th साइंस के लिए गांधीनगर शिफ्ट होने का फैसला किया था। अब वैसे आपको जानकर सरप्राइज हो सकता है कि मेरी आज तक की सारी पढ़ाई टोटली फ्री हुई है। चाहे आप 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड की बात कर लो, 11th 12th साइंस की बात कर लो, MBBS की बात कर लो, या फिर उसके बाद MS की बात कर लो। अब वो कैसे हुआ तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मेरी जो स्कूल थी वेद इंटरनेशनल स्कूल, वो गांधीनगर के बाहर के एरिया में थी। एंड सो हमने डिसीजन लिया था कि 4 लड़कों के बीच में एक रूम रखेंगे गांधीनगर में, एंड वहाँ पे रह के पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, ताकि सस्ता भी पड़े शेयरिंग बेसिस पे, एंड सबकी मम्मी दो तीन महीने पे ऑल्टरनेटिव आती रहेगी खाना खिलाने के लिए, ताकि घर पे भी ज्यादा तकलीफ ना पड़े पापाओं को। सो ये हो गया एक बैकग्राउंड सिनेरियो। यहाँ पे यूजुअली मेरा दिन 5:45 के आसपास स्टार्ट होता था। अब शायद कुछ लोगों के लिए अर्ली हो, लेकिन मेरे लिए मेरा डेली रूटीन था। एंड आई थिंक कि स्कूल इयर्स के दौरान एटलीस्ट आपको थोड़ा सा जल्दी उठने की हैबिट होनी चाहिए। वैसे लड़कों को तैयार होने में 15-20 मिनट ही लगते हैं, बट क्योंकि 4 लड़के थे एंड बाथरूम एक ही था तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था। 6:45 तक रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच जाते थे भैया सोसाइटी के बाहर के मेन रोड पे, जहां पे स्कूल बस हमको लेने के लिए आती थी अराउंड 7 बजे के आसपास। अब ये बात है अराउंड 2011 की, एंड उस टाइम पे डे केयर स्कूल का कॉन्सेप्ट नया नया ट्रेंड में आया था, जिसका मीनिंग है आपकी स्कूल ही आपका सब कुछ, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे डेली आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा एंड उसी में आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। सो मेरी ये स्कूल जो थी वेद इंटरनेशनल स्कूल, वो भी एक डे केयर स्कूल थी, इवन अभी भी है, जिसका टाइम मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर अराउंड 3 बजे तक रहता था। एंड ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट से मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम बचा था एंड फायदा हुआ था, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री रहता था। एंड सो 8 से 10 घंटे भी इवन पढ़ाई करनी होती थी पर डे तो भी मैं कर सकता था, ना कहीं कोचिंग की भागा दौड़ी है, ना कोई थकान या ना कोई बेफिजूल के खर्चे। हालांकि ये सारी चीजें टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है। उस टाइम पे डे केयर का नया नया ट्रेंड में आया था, अभी डिजिटल जमाना है तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना ट्रेंड में आ रहा है। एंड वैसे सबका प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है, किसी को डमी स्कूल प्लस कोचिंग से अच्छा लगता है, किसी को डे केयर स्कूल में अच्छा लगता है, या फिर किसी को दोनों रखवा के अच्छा लगता है। बट अल्टीमेटली आपको अपने हिसाब से जो सबसे बेस्ट लगे वैसा प्लानिंग करना चाहिए। स्कूल में 7:30 से 8 बजे तक प्रेयर्स एंड थोड़ी मोटी एक्टिविटीज होती थी, एंड उसके बाद 8 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूअस क्लासेस होते थे, बीच में 2-3 ब्रेक्स मिलते थे। एंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा भैया एक टॉपर की क्या क्या क्वालिटीज होती है। वो 2 साल तक कंटिन्यूअस पूरे के पूरे 600 से भी ज्यादा स्कूल के दिनों में मैंने लिटरली एक भी लेक्चर मिस या बंक नहीं किया था। हाँ, कॉलेज लाइफ में MBBS में बहुत सारे लेक्चर्स बंक मारे थे, वो अलग बात है, बट एज ए 11th 12th स्टूडेंट्स मैंने कभी भी वो नहीं किया था। एंड ना सिर्फ अटेंड, इतने फोकस के साथ पढ़ाई करता था कि हर एक क्लास में पूरा का पूरा फुल अटेंशन रहता था, जो भी चीजें वहां पे पढ़ाई जाए वो वहां के वहां पे समझने की ट्राई करता था। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था तो वैसे उंगली उठा के पूछने में शर्म आती थी, तो जो भी चीजें समझ में ना आए वो पूरे वीक के डाउट्स इकट्ठे करके हर वीकली हमारा एक डाउट सॉल्विंग का सेक्शन रहता था, वहां पे जाके सॉल्व करा लेता था। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं तो मुझे खुद सरप्राइज होता है कि यार इतना ज्यादा जुनून कैसे मेरे में आ गया था। ना कोई बड़ा भाई था मुझे गाइड करने के लिए, ना मुझे दुनियादारी की कोई समझ थी, बट फिर भी ऐसे इतना जुनून था कि यार कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS की सीट चाहिए, गुजरात के टॉप मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट चाहिए, वरना नहीं लेनी है। आई थिंक एक छोटे से गांव की गरीब फैमिली से आए हुए लड़के के लिए शायद उसकी स्ट्रगल से उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, एंड शायद वही रीजन था इतने सारे जुनून का। इतना ज्यादा जुनून रहता था कि मैं स्कूल ब्रेक्स के टाइम पे भी पढ़ता रहता था। जैसे ही ब्रेक पड़ता था 2-5 मिनट में मैं वॉशरूम जाके आके फटाफट से अपनी बेंच पे आके वापस बैठ जाता था, पढ़ाई करने लग जाता था। जो भी ब्रेक के पहले क्लासेस में पढ़ाया वो सारी की सारी चीजें फटाफट से रिवाइज कर लेता था, ऐसे ही जस्ट फटाफट से लाइन टू लाइन एक बार क्विक रिवीजन, ताकि एक इमीडिएट मेमोरी एनहांसमेंट हो जाए। अब आपके स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि ब्रेक के टाइम पे लड़के सारे के सारे बाहर चले जाते थे ग्राउंड्स में या कैंटीन में, एंड लड़कियां सारी क्लास के अंदर बैठती थी, अपनी मजाक मस्ती या नाश्ता करती रहती थी। अब आप समझ सकते हो मेरी क्या हालत होती होगी। क्लास को इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा क्लास था जिसमें 8-10 बेंचेस की जो लाइंस होती है वैसी लाइंस थी, एंड 3 कॉलम्स थी। अब वो 3 कॉलम्स में से भी बायोलॉजी के क्लास में 2 कॉलम्स तो पूरे की पूरे लड़कियों से भरी हुई होती है, एक ही कॉलम लड़कों की थी। 2/3 से ज्यादा लड़कियां थी हमारे क्लास में एंड 1/3 ही लड़के थे। उसमें भी ब्रेक के टाइम पे लड़कियां कितना शोर बकोर करती है आपको पता ही है। मुझे लिटरली बहुत ज्यादा एम्बरासमेंट होता था कि यार पूरे क्लास के लड़के बाहर है एंड 2/3 से ज्यादा सेक्शन में लड़कियां बैठी हुई है, एंड इस सेक्शन में मैं अकेला अपने बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड मैं यूजुअली गर्ल्स से बात करने में बहुत शर्माता था, काम के लिए बात कर ले वो बात अलग होती है, बट ऐसे जो बॉयज गर्ल्स के फ्रेंडशिप वाले ग्रुप्स होते हैं वैसा कोई सिनेरियो मेरा आज तक नहीं रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगता था ऐसे बैठ के पढ़ाई करने का, बट फिर मैंने उसको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं अकेले अपनी बेंच पे बैठ के ये जो ब्रेक्स के 30 मिनट्स मिल रहे हैं उसको हर रोज यूटिलाइज करूंगा। इवन जो 2 क्लासेस के बीच में टीचर्स आने जाने का 5-10 मिनट का टाइम रहता था उसमें भी मैं पढ़ाई कर लेता था, आगे के क्लास में जो भी चल
चला उसके दो चार पेजेस फटाफट से उल्टा सुलटा देता था। इतना डेडिकेशन भैया लाना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए तो। प्राइवेट में तो पैसे खर्च करने से भैया सब कुछ मिल जाता है, बट हमको गवर्नमेंट में टॉप मेडिकल कॉलेज की टॉप सीट लेनी है एंड उसके लिए दुनिया में कोई ना करता हो उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो सीटें मिलती है। वो ब्रेक के टाइम पे पढ़ने की जो हैबिट डेवलप की थी मैंने, उससे मुझे एक फायदा भी हुआ था। अब ये एक फायदा बोल सकते हो या मजबूरी बोल सकते हो, बट वो ये था कि हमारी कैंटीन में मसाला पफ बहुत ही अच्छा मिलता था। इतना अच्छा मिलता था कि अगर आप कैंटीन के बाहर वाले रास्ते से जस्ट निकलते हो तो भी उसकी स्मेल आ जाती थी एंड मेरे सारे दोस्त हर रोज वहां पे जाके नाश्ता करते थे। आई मीन इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर देम, 20-30 या 50 रुपए का नाश्ता करना हर रोज कोई सिटी के लड़के के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट मेरे पास तो भैया पैसे थे नहीं। खाने की बहुत इच्छा होती थी बट अफसोस, ये गरीबी एक ऐसी चीज है जो बंदा गुजरता है उसको ही पता होता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसे करके 2 दिन के 700 से ज्यादा दिन भैया मैंने वो स्कूल में बिताए थे एंड आप मानोगे नहीं, एक दिन, सिर्फ एक दिन वो 700 में से मैंने कभी भी वो मसाला पफ नहीं खा पाया था। 15 रुपये का ही पफ था, 15 रुपया बहुत ही छोटी रकम होती है, मतलब आपको लगेगा कि इतना भी क्या गरीब हो सकता है कोई बंदा, बट 15 तो क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 5 रुपये की चीज भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि परिस्थितियों ने बहुत ही कम उम्र में मैच्योरिटी दे दी थी। हमने जो रूम रखी थी गांधीनगर में 4 लड़कों के बीच में, उसके लिए भी जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था वो पापा ने कर्जा करके लिया था, तो 5 रुपये भी अगर बचा पाता हूं मैं तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत बार इच्छाएं हुई कि यार खा लेते आज तो, एक दिन खाने से क्या ही हो जाएगा, बट जब जब ऐसे थॉट्स आते थे ऑटोमेटिक मुझे टेंशन एंड स्ट्रेस आ जाता था कि यार मेरे मम्मी पापा बहुत मजदूरी कर रहे हैं, उनको जो 1-1 रुपया कमाने के लिए स्ट्रगल पड़ रही है उसको इग्नोर करके मैं यहाँ पे कैसे कुछ भी अपने प्लेजर के लिए खा सकता हूँ, जो अवॉइड करूंगा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। एंड वही स्ट्रगल्स को मोटिवेशन बना के ब्रेक के टाइम पे मैं क्लास से बाहर ही नहीं जाता था, ना पफ की स्मेल आएगी, ना पफ खाने की इच्छा होगी, ना पैसा जाएगा। हालांकि मेरा तो स्कूल एजुकेशन फ्री था सो वो एक सबसे बड़ी राहत थी, बट सबके लिए ऐसा वैसा जरूरी नहीं है। एंड सो ऑनली फिजिक्स वाला बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेस लॉन्च करके एजुकेशन फील्ड में रिवॉल्यूशन ला रहा है। हर एक चीज को बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया जाता है वहाँ पे। अगर आप CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो परिश्रम 2.0 एंड अगर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो प्रवेश साइंस 2024 बैच। परिश्रम बैच में आपको 12th साइंस फाउंडेशन प्लस CBSE के सिलेबस को कवर अप किया जाएगा एंड साथ में आपको परिश्रम 1.0 टोटली कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दिया जाएगा। प्रवेश बैच में कवर होगा फुल सिलेबस ऑफ CUET, डेली टॉप फैकल्टीज के क्लासेस के साथ साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, रेगुलर टेस्ट एंड PDF नोट्स, सब कुछ एक ही बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कंबाइंड पैकेज में अवेलेबल है। एंड उसमें भी अगर मेरा कोड DPW150 यूज करते हो तो इंस्टेंट 150 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। स्कूल खत्म करके 3:45 बजे तक हम घर पे पहुंच जाते थे, थोड़ा बहुत नाश्ता एंड चाय पानी करके मैं लग जाता था भैया फिर से पढ़ाई करने के लिए। एंड सबसे पहला मेरा टारगेट होता था आज जितना भी पढ़ाया है स्कूल में उसको खत्म करने का। ये एक छोटी सी बहुत ही सिंपल हैबिट है जो लॉन्ग टर्म गेम में आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स दुनिया के टॉप पे पहुंचा सकती है। रोज आपके स्कूल में या कोचिंग्स में जितना भी पढ़ाया जाता है उतना बस खत्म कर दो। मेरा तो स्कूल ब्रेक्स में ही ऑलमोस्ट 70% सिलेबस खत्म हो जाता था जैसे मैंने आपको बताया था एंड बाकी का 30% घर पे आके फटाफट से रिवाइज कर लेता था। अब हमारे टाइम पे एक और आयरनी ये थी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से या पढ़ाई करने से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी। हमारा 12th का जब 8 से 10 महीने बाकी था तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि भैया अब आपको नीट से एडमिशन दिया जाएगा। ये सिर्फ गुजरात स्टेट की बात कर रहा हूँ, गुजरात स्टेट के लेवल पे सारे के सारे 12th स्टूडेंट्स को नीट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा, जबकि वो पहली बार हुआ था। उसके पहले गुजरात के स्टूडेंट्स को 12th बोर्ड्स के मार्क्स एंड गुजकेट जो कि 12th के सिलेबस के बेसिस पे ही लिया जाता था उससे एडमिशन मिलता था, लेकिन पहली बार ऐसा बोला कि अब 11, 12th दोनों का सिलेबस कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से नीट का पेपर भी आएगा एंड उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, जबकि एग्जाम के सिर्फ 8 से 10 महीने बचे थे। अब पूरा साल उसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ, पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किए बट गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन नहीं बदला। सो हमको बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी थी क्योंकि पता था कि शायद अगर ये लोग चेंज कर देते डिसीजन तो बोर्ड से एडमिशन दे देंगे, जो कि टोटली चांस था जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे थे। सो बोर्ड की प्रिपरेशन भी वैसे के वैसे थियरी के हिसाब से करते जाओ एंड साथ में नीट के लिए 11th का भी करो, 12th का भी करो। 11th जो कि अभी तक तो हम इग्नोर ही मार के बैठे थे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम था बट फॉर्मेट अलग अलग था। एक में MCQs पूछे जाते थे एंड एक में थियरी लिखनी थी एंड टॉप दोनों में करना था क्योंकि पता नहीं था कि कौन सी एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन देंगे। एंड लास्ट में जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ, एग्जाम्स उन्होंने दोनों के दोनों लिए, तब तक कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया एंड जब एडमिशन का दिन आया तब बोला कि अब नीट से एडमिशन नहीं लेंगे, बोर्ड के पेपर से आपके एडमिशन देंगे। 10 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला एंड एडमिशन के अगले दिन उन्होंने बोला कि अब हम नीट से एडमिशन नहीं लगे, जबकि नीट उन्होंने ले लिया था, सारे बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया था फिर भी। एंड ऐसा हर साल होता है, गवर्नमेंट का कुछ ठिकाना नहीं है, हम सबको पता है। तो हमको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जो भी डिसीजन आए, जैसे भी एग्जाम्स आए,
हमको सारी की सारी एग्जाम को टॉप करनी है, अपने आप को निचोड़ देना है उसके लिए। 2-3 घंटे में वो दिन का जो भी पढ़ा है वो खत्म करने के बाद मैं अगले दिन का भी जो सिलेबस था उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेता था। वैसे अगले दिन ही मैंने 1-2 बार तो उसको स्कूल टाइम पे ब्रेक में स्कूल के आने के बाद उसको पढ़ लिया होता था, बट एक फ्रिक्वेंट शॉर्ट रिविजन होता था जिसकी वजह से मेमोरी जो सर्किट थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। फिर 15-20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेता था, उसमें मम्मी के साथ बाहर जाकर शायद सब्जी वब्जी ले आए, या तो फिर हमारे सामने घर के बाहर एक गार्डन था तो उसमें एक चक्कर लगा के आ गया, ऐसा कुछ कर लेता था। नेचर के साथ टाइम बिताना एक बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है भैया, आपके सारे दुख दर्द पीड़ा थकान सबको वो हील कर देता है एंड बॉडी में एक फ्रेश एनर्जी भर जाती है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उस टाइम पे ये सारी सोशल मीडिया एंड इंटरनेट कनेक्टिविटीज नहीं थी। हम 4 लड़कों में से किसी के भी पास अपना मोबाइल फोन ही नहीं था, घर में सिर्फ एक ही मोबाइल हुआ करता था एंड वो भी मम्मी का होता था, एंड वो था नोकिया का 1200 रुपये वाला मोबाइल, जिसमें आप मानोगे नहीं बट उसमें उतनी ही स्पेस होती थी कि आप अगर 4 सॉन्ग उसमें डालोगे तो वो फुल हो जाएगा, सिर्फ 4 सॉन्ग। आप इमेजिन कर सकते हो कैसा जमाना था वो, एंड वो सॉन्ग्स भी ब्लूटूथ से लेने पड़ते थे। अब मुझे सॉन्ग सुनने की हैबिट थी तो मैं मोबाइल में 4 सॉन्ग रखता था एंड वो ब्रेक के टाइम पे हर रोज वही सेम 4 सॉन्ग, वही सेम टू सेम 4 सॉन्ग हर रोज 2 या 3 महीने तक सुनता रहता था। उससे ज्यादा ना मैं कुछ ले सकता था ना कुछ आ सकता था, एंड सॉन्ग अगर लेने भी थे तो इंटरनेट उस टाइम पे इतना एक्सेसिबल नहीं था, बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ करता था, ब्लूटूथ से लेना पड़ता था। एंड सो मम्मी जब भी घर पे जाते थे तब मेरा फ्रेंड वो सॉन्ग्स को चेंज करके वापस डाल देता था, एंड जब वो वापस आते थे तब मैं वो नए सॉन्ग सुनता था। अब मेरा फ्रेंड को कौन से सॉन्ग पसंद है, क्या उसने डाला, वो जाने, वो जो भी डाले वो मुझे सुनने पड़ते थे 2-3 महीने के लिए। एंड यही था भैया हमारा लाइफ टाइम का एंटरटेनमेंट, नो यूट्यूब, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। इवन मेरा फर्स्ट जीमेल अकाउंट भी मैंने 12th का रिजल्ट आने के बाद ओपन किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था, मेरे दोस्त ने एक फोटो अपलोड की थी एंड मैंने उसको लाइक किया था, वो नोकिया 1200 में, एंड लिटरली एक रिवॉल्यूशन वाली फीलिंग आई थी। वो फोटो ऐसे ब्लर और पिक्सल में इतना छोटा सा दिखते थे उस टाइम पे, आपको अगर स्क्रॉल भी करना है तो भी 10 मिनट लगते थे एक फोटो से दूसरे फोटो के जाने में। एंड ये सब देख के उस टाइम पे लिटरली एक रिवॉल्यूशन वाली फीलिंग आई थी कि यार ऐसा भी होता है क्या। जबकि एक आज का जमाना है, आप देखते हो 8th, 9th, 10th में जब बच्चे होते हैं तब उनके पास अपने पर्सनल फोन्स होते हैं, पर्सनल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके अकाउंट्स होते हैं, एंड 99% से ज्यादा बच्चे ये मोबाइल एंड सोशल मीडिया का टोटली रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि वो अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स को वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो इतने बड़े लूप में फंसे हुए हैं कि उनके महीनों एंड सालों निकल जाते हैं फिर भी वो लूप में से वो बाहर नहीं निकल पाते। इतनी ज्यादा अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, किसी को भी पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करके उनके नीचे कमेंट्स करते हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, जो भी कोई मेडिकल का कुछ भी डाल रहा है वहां पे जाके बस सीधा फॉलो कर लिया। इतने सारे टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स कम थे कि एक और फैक्टर ऐड कर दिया, वो नया वीडियो आएगा उसका तो उससे भी हमको और टाइम वेस्ट होगा। ऐसे आगे नहीं आया जा सकता है भैया। अगर सब्सक्राइब करना ही है तो कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड चैनल्स को सब्सक्राइब करो जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको कुछ अच्छा नॉलेज बताती हो जिससे लाइफ में सच में फायदा हो सके। उसमें से एक चैनल कौन सी आपको पता ही है, नीचे बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। वो शाम के ब्रेक के बाद थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व कर लेता था एंड स्कूल का थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेता था। उसके बाद डिनर करता था एंड डिनर के बाद 2 घंटे और पढ़ाई करता था, जिसमें मेरा टारगेट मेनली एक आध पेपर देने का या तो सॉल्व करने का रहता था, क्योंकि मुझे दोनों के दोनों एग्जाम्स टारगेट करने थे। तो मैं एक दिन थियरी वाला पेपर देकर सॉल्व करता था एंड एक दिन एमसीक्यू वाला पेपर देकर सॉल्व करता था। यही एक टॉपर का अप्रोच होता है भैया। जो भी डिसीजन आते हैं, जैसे भी सिचुएशन आते हैं, वो हमेशा अपने आपको एक बेहतर पोजिशन में ले जाने की कोशिश करता रहता है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस या रोना धोना। 10-11 बजे के आसपास मैं सो जाता था यूजुअली, बट लास्ट के 6 महीने में मैंने वो टाइम को भी 2 घंटे एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया था फॉर 11th रिवीजन, क्योंकि पहले तो 11th को हमने सीरियसली लिया ही नहीं था, बट अब क्योंकि नीट में भी वो आने वाला था तो मैंने 11th का रिवीजन भी रात को थोड़ा बहुत साथ में ही खत्म करने का डिसीजन लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में फिर गवर्नमेंट ने बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देने का फैसला किया एंड मेरे 12th के 4 सेमेस्टर के कंबाइंड मार्क्स गिन के मेरिट बनता था 92+% का, एंड जिसके बेसिस पे मुझे एडमिशन मिल गया था भैया गुजरात के 2nd बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, दैट इज बड़ोदा मेडिकल कॉलेज, एंड लेटर ऑन आई गॉट ट्रांसफर इन द गुजरात बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, दैट इज विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। फाइनली अपने मेहनत रंग लाई थी, हमको MBBS में एडमिशन मिल गया था एंड उसके बाद MBBS के 5.5 साल बहुत ही अच्छे से निकले। पोस्ट MBBS की जो PG एंट्रेंसेस होती है उसमें भी हमने बहुत ही अच्छे से स्मार्ट वर्क करके नेशनल लेवल पे एग्जाम्स को क्रैक किया था एंड उसके बाद एडमिशन लिया था एम्स जोधपुर में MS जनरल सर्जरी में। दिस इज द पिक्चर ऑफ मी डूइंग अ सर्जरी ऑफ अ पेशेंट हु केम इन अ शॉक ड्यू टू परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। वो पेशेंट के रिलेटिव्स ने उसके जीने की आशा तक छोड़ दी थी, बट जस्ट 4 आवर्स के एक सिंगल ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन वो पेशेंट टोटली फाइन हो चुका था एंड 4 दिन के बाद हमने उसको हैप्पीली घर भी भेजा था। This is what you get after those very hard working years.
एंड आई लिटरली एंजॉय ईच सेकंड ऑफ माई लाइफ एवरी डे। वो 12th के रिजल्ट के बाद भी बहुत ही मेहनत की हर साल की, आज भी कर रहा हूँ। बट नथिंग कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज 2 ईयर जिसने ये मेडिकल कैरियर में एंट्री होने के लिए हेल्प की थी। एक बार आप इसमें आ जाते हो फिर आगे की चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे सेटल होती जाती है। मेहनत तो लगती है भैया, 50 साल पे भी मेहनत आपको किसी भी फील्ड में जाओगे करते रहना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। बट अगर वो 2 साल बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो आज से 10 साल बाद आप 99% लोगों से काफी अच्छी सेटल्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि सबका शेड्यूल ऐसा सेम टू सेम मेरे जैसा ही हो। सबके स्कूल्स, कोचिंग्स, सोने जागने के टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मुझे फॉलो करके टोटली मेरे सेम टू सेम जैसा एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको अपने हिसाब से जो बेस्ट हो वैसे टाइम टेबल को फॉलो करना होता है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि नेवर मेक एनी एक्सक्यूजेस। आपने मेरी ये जो जर्नी देखी 11th 12th की, आपको बहुत सारे लर्निंग सीखने को मिले होंगे, कैसे कैसे स्ट्रगल से मैं गुजरा था फिर भी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ आपके सामने। एंड आई एम श्योर कि वो सारी स्ट्रगल्स के कंपेयर में आप तो बहुत ही प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहे हो। अभी इंटरनेट के एक्सेस के साथ मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इतना अच्छा गाइडेंस ले रहे हो, वही एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं था। तो एक्सक्यूज बनाना बंद करो एंड मेहनत करना स्टार्ट करो। अगर अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।